विघ्न पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायुग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकल कर वे पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस कुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर भी अनेक प्रकार की पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ तब परमानंद से सरावर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक ही जानने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणित हो गए थे जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी से संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में 8वां अध्याय भरत जी का मृग की मोह में फंसकर मृगयोनि में जन्म लेने का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। हे राजन, इसी समय की हिरणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिणी जाति की तो स्वभाव से ही डरपोक होती है, वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब जो ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाएक की नदी पार करने के लिए छलांग मार दी। उसके पेट में गर्व था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्व अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रभाव में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्व के गिर जाने लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिच्छू हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वह मर गई। राज ऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रभाव में बह रहा है, इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करके व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे।
कुछ ही दिनों में उनकी यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, हो कैसे खेद की बात है कि इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और यूथ के साथ ही संगी समझता है। इससे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उसे जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसी शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उसे हरिण की बच्ची में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बधा रहता था। जब उन्हें कुछ पुष्प समिधा पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वे हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्वक हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्त कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसी के लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिया की सी बुद्धि वाले मुझे पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी दूब चरते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रेय रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हिरण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक कोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो जब कभी मैं प्रलय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि की वाहनी आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरी डांटने डपटने पर वे अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अतिविनीत कृष्ण सारे किशोर की छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ उसे द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक ध्वजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है।
चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते हैं, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और बदन सलिल रूप अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाली प्रारब्ध